व्यूअर्स, सलाम अर्ज करता हूँ। मैं हुसैन काजमी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एच के मेन्यू। व्यूअर्स, आज आपके साथ मज़ेदार और चटपटी रेसिपी मैं शेयर करने वाला हूँ। ये रेसिपी मेरी वालदा मरहूमा सैयदा असमत बतूल बनाया करती थी। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। माँ की याद दिल से कभी अलग नहीं होती, हमेशा याद रहती है। लेकिन आज भी घर में जब ये चटनी तैयार होती है तो बेपनाह उनके हाथ का जायका और उनकी याद आती है। तो व्यूअर्स, चलते हैं रेसिपी की जानब। 8 से 10 कलियाँ लहसुन की ली हैं और जो है 15 से 20 मैंने हरी मिर्च ली है। आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं इसी हिसाब से। और मैंने ओलिव ऑयल डाला है, मेरे पास सिस्टम वही मौजूद था। लेकिन आप अगर इसमें सरसों का तेल डालें तो लाजवाब है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे अचार मसाला, मेरे पास घर का तैयार रखा है। आप चाहें तो बाज़ार वाला भी डाल सकते हैं। हल्का सा इनको ढक देंगे ताकि लहसुन और हरी मिर्च दोनों अच्छे से गल जाएं। केवल आपको मालूम है हरी मिर्च विटामिन सी से भरपूर है, बेपनाह विटामिन सी है। और लहसुन तो अपने अंदर बहुत सी अफादियत लिए हुए है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, इन सब को कंट्रोल करता है और वेट को कम करता है। तो व्यूअर्स, हमारी जो ये तवा चटनी है, एक्चुअली इसका नाम ही अचारी तवा चटनी है, बहुत मज़ेदार, बहुत बेहतरीन और चटपटी है। आप इसको सुबह पराठे के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, आपको बेपनाह मज़ा आएगा। और वो लोग जो शिकायत करते हैं कि हमें भूख नहीं लगती, उनके लिए तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। जो 2 टाइम रोटी खाते हैं वो 3 टाइम खाएँगे, और जो 3 टाइम खाते हैं वो 4 टाइम खाएंगे। तो व्यूअर्स, हम इसको पीस लेते हैं दरदरा। इस चटनी का हुसन ही ये है कि इसको तवे के ऊपर आपने पीसना है, नीचे हल्की आंच होगी। आपने तवे पर जो है भारी कोई भी चीज़ लें, उससे इसको पीस लें दरदरा। और अगर आपको लगे कि नमक थोड़ा कम है तो डाल लें, क्योंकि चटनी और अचार जो हैं तेज़ नमक के साथ ही अच्छे लगते हैं। व्यूअर्स, जब ये चटनी आप घर में तैयार रखेंगे तो यकीन कीजिए उसके बाद आप अचार डालना भूल जाएंगे। इसमें चटनी और अचार के दोनों टेस्ट आपको मिलेंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप इसे एक दफ़ा बना कर देखिए। तो व्यूअर, अच्छे से साफ़ सुथरे से शीशे के जार में इसको महफूज करना है। इसमें थोड़ा सा लेमन डालेंगे और 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे सिरका, जो कि इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा। तो चटनी बनकर तैयार है, तो मैं इसको करता हूँ पराठे के साथ टेस्ट, क्योंकि मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है खाने के लिए। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाता हूँ मज़ेदार, चटपटी, बेहतरीन और आसान रेसिपी। इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को भी इसी तरह से हरा भरा रखे, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात दूर फरमाए, और अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्स व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।